प्रीवियस वाली वीडियो में विशाखा जी ने मुझसे पूछा था कि उनके चेहरे पे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे से दाने हो गए हैं जो कि पीले तरीके के हैं और सिर्फ आपके गाल पे और नाक पे हुआ है जिसको कि हम बम्स कहते हैं। और इसका होने का कारण ये होता है कि जब हमारे रोम छिद्र ओपन होते हैं तो हम जो भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं या जो डस्ट होती है वो वहां पे जाके बैठ जाती है। सिंपल तरीके से जो हमारे पोर्स वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन्हीं के साथ होती है जिनके ओपन पोर्स होते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम हमको भी कुछ साल पहले आ चुकी थी जिसका हमने बहुत ज्यादा क्रीम और ये सब ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने लगाया अपना देसी नुस्खा जिससे हमको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फायदा हुआ। फायदा कुछ इस तरीके से हुआ, जो छोटे छोटे बम्स है जो छोटे छोटे होते हैं जो छूने पे फील होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगे और सूखने के बाद झड़ गए, इवन उनके निशान भी नहीं पड़े। तो आज हम आपके साथ वही वाला फेस पैक शेयर करेंगे और साथ में हमने कल स्टोरी पे आप लोगों से पूछा था, एक पोल किया था कि जो मुल्तानी मिट्टी है वो आप कैसे लगाते हो, आप डेली बेसिस पे लगाते हो या फिर गैप करके। तो हमको 80% जवाब आया कि गैप करके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताएंगे इस वीडियो में जिससे कि आप मुल्तानी मिट्टी डेली लगा सकते हो, मुल्तानी मिट्टी का आप उपटन बना के रख सकते हो। जो भी वर्किंग लेडीज है जो कि काम के दौरान बाहर जाती है और उनको स्किन केयर करने की टाइम नहीं रहता है बिल्कुल भी, तो वो ये वाली रेमेडी बना के रख सकती है। जब भी उनको टाइम हो वो ये रेमेडी लगा सकती, चाहे वो सुबह हो, सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं रहता, तो चाहे वो दोपहर हो, रात हो, जब भी वो फ्री हो ये वाली रेमेडी कर सकती है। ये वाली रेमेडी करने से आपके चेहरे के सारे दाग खत्म होंगे, दाने खत्म होंगे। ये जो गर्मी वाला सीजन चल रहा है ना, जो चिपचिपी वाली गर्मी चल रही है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन से रिलेटेड हो जाते हैं जो आपके पूरे साल भर में नहीं होते, तो वो सारे खत्म होंगे और साथ में आपके चेहरे पे टाइटनेस बढ़ेगी, चेहरे पे आपकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा जैसे कि मेरे चेहरे पे ग्लो है। हालांकि अभी हमने फेस पैक नहीं लगाया लेकिन लगाने के बाद बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेरा और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शेरा पे। यहाँ पे हम लाते हैं ऐसे ही होम रेमेडी जो कि बहुत इफेक्टिव होती है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप मुल्तानी मिट्टी से ये पैक कैसे बना सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूध या फिर दही डालना होता है, जो भी चीज आपको सूट करे लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। ये पत्थर बेस्ड मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी हमारे क्लॉग पोर्स जो होते हैं उनको ये साफ करती है, उनको क्लीन करती है और हमारे फेस को बिल्कुल चिकना और क्लीन कर देती है। डीपली क्लीन करके हमारे स्किन के पोर्स को भी ये ओपन करती है, क्लीन करती है, फिर दोबारा श्रिंक भी करती है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। ये मेरी घर की पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, आसानी से आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे यहाँ पे, चने का दाल का आटा यानी कि बेसन। ये इंग्रेडिएंट अपने आप में ही संपूर्ण है आपकी स्किन पे टैनिंग, यानी जो आपका चेहरा जल चुका है, झुलस चुका है तपती धूप की वजह से, उसको ये काम डाउन करेगा और चेहरे पे बहुत अच्छी चमक लाएगा। और अगर आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं, मुहासे हो रहे हैं इस चिपचिपी गर्मी में, तो आप इसमें नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे नीम पाउडर नहीं है और हमको ये समस्या नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो पाउडर है वो स्किप कर रहे हैं। अब इन दोनों पाउडर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटे टमाटर का रस। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करेगी, टैनिंग को ख़त्म करेगी, जो मुहासे हैं उसको ये साफ करेगी, साथ में हमारे पोर्स को हेल्दी करेगी। क्लॉग्ड अगर हैं तो उसको भी ये अच्छे से, क्लॉग्ड पोर्स को भी ये क्लीन करेगी। हाँ जी, ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके आपके जो क्लॉग्ड पोर्स हैं उस पर बहुत मैजिक और बहुत तेज़ काम करेंगे। और इसको हमने
हमने यहाँ पे बनाया है कच्चे दूध के साथ। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप दही के साथ भी ये पेस्ट तैयार कर सकते हो। यकीन मानिए, ये पेस्ट आप डेली अगर लगाते हो तो 3 से 4 दिनों में ही आपको अपने चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा और अच्छा फर्क महसूस होगा। लीजिए, हमारा पैक बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम लगाएंगे। आपको इसको साफ सुथरे फेस पे लगाना है। आप चाहो तो एक बार फेस वॉश कर लो, उसके बाद इसको लगाओ, और इसको लगाने के बाद आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है। ये आप किसी भी टाइम लगा सकते हो। आपके चेहरे पे ये क्या मैजिक करेगा, आपके अगर छोटे छोटे बम्स हैं, आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हो जो समस्या मेरी सब्सक्राइबर प्यारी बहन ने किया है, तो आप ये वाला पैक आज से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके चेहरे पे मुहासे हो रहे हैं, चेहरा आपका चिपचिपा हो रहा है, चेहरे का रंग डल पड़ रहा है, बहन आज से ही लगाना स्टार्ट कर दो। इस रेमेडी को रोज़ लगाओ, जब भी आपको टाइम मिले। इसको आपको 20 मिनट तक लगाना है, सेमी ड्राई होगा, उसके बाद आपको इसको ठंडे पानी से, यानी कि जो नल का पानी आता है उससे आपको धो लेना है। अगर ये वाला पैक बच जाता है तो आप इसको रख सकते हो फ्रिज में, नेक्स्ट डे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप अपने हाथों और पैरों में भी लगा सकते हो और रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। चेहरा आपका इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना चिकना हो जाएगा, जो आपके छोटे छोटे बम्स हो रहे हैं, जिसमें मवाद पड़ गए हैं, पस पड़ गए हैं, ये सब कुछ दूर हो जाएगा और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा, सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी और फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। यहाँ पे हमने 20 मिनट तक लगाया और अपने चेहरे को धो दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं सनस्क्रीन लोशन, जो कि बहुत ज़रूरी है हर मौसम में अपने चेहरे को बचाना। अगर आप चाहते हो अपने चेहरे को टैनिंग से फ्री करना चाहते हो, अपने चेहरे को हमेशा ग्लोइंग करना चाहते हो, तो यार आज से ही सनस्क्रीन लगाना अपने होम रेमेडी में, मतलब अपनी स्किन केयर रेमेडी में स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं आप बाहर जा रहे हो तभी आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, आप घर में हो तो भी आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, आपकी बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, क्या मेरे चेहरे पे मैजिक हुआ है, क्या ग्लो आया है, क्या निखार आया है, लाइव आपने देख लिया है। आज से ही लगाइए और आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे, और आप विद इन 7 डेज का चैलेंज है, बहुत अच्छा स्किन आपकी हो जाएगी। तो चैनल को कर देना ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।